नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है यश कुरचानिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बटेक्स में। और दोस्तों, घड़ी कर रही है इशारा टॉप टेक न्यूज का, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली टेक न्यूज़ की बात की जाए तो वो आ रही है iOS 14 को लेके। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे iOS 14 में एक नया फीचर देखने को मिला है, जो कि ये कि यहाँ पे अब यूज़र ग्रांट कर सकते हैं, यानी दे सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन को अप्रॉक्सीमेट लोकेशन, यानी कि अब जो ओरिजिनल एग्जैक्ट GPS कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ना शेयर करते हुए उसके लगभग मिलते जुलते जो हैं उसके पास के एरिया के जो लोकेशन एक्सेस है वो प्रोवाइड करेंगे अब iOS 14 की से एप्लीकेशन को, जो कि अच्छी बात है। और जरूरी भी क्या है कि हम एग्जैक्ट वही लोकेशन शेयर करें, बस आपको जब बताना ही है कि हाँ हम इस एरिया में हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे की टेक न्यूज की तरफ बढ़ें, आप इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दे दीजिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे चैनल के सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए और आप हमेशा टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहें। वहीं दोस्तों, इसके बाद आज की अगली टेक न्यूज की बात की जाए तो वो आ रही है टेलीग्राम की एप्लीकेशन को लेके। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे टेलीग्राम में अब एक नया फीचर ऐड हो गया है। फिलहाल ये बीटा वर्जन में है, पर यहाँ पे अब जो है टेलीग्राम में वीडियो कॉलिंग का फीचर जो है वो ऐड कर दिया गया है। और मेरे ख्याल से ये अभी तो बीटा वर्जन में है, पर जल्द ही जो है आपको ओरिजिनल वर्जन में भी देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों, इसके बाद आज की अगली टेक न्यूज की बात की जाए तो वो आ रही है नोकिया की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे नोकिया 2.4 जो है वो 2GB प्लस 32GB और 3GB प्लस 64GB मॉडल के साथ जो है वो जल्द ही लॉन्च होने वाला है, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। और यहाँ पे इसमें 4500mAh की बैटरी रहेगी और यहाँ पे अभी फिलहाल 3 कलर ऑप्शंस जो हैं इसके पता चले हैं। वहीं इसके अंदर MediaTek Helio P22 SoC देखने को मिल सकता है। तो अब फिलहाल ये तो थी बात जो है नोकिया 2.4 को लेके। वहीं दोस्तों, इसके बाद आज की अगली टेक न्यूज़ की बात की जाए तो वो आ रही है फेसबुक की तरफ से। और यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी जो है टेक न्यूज़ है। असल में यहाँ पे बात ये है कि फेसबुक ने अब वार्न करना स्टार्ट कर दिया है COVID-19 के लिंक्स को लेके, अगर वो जो है मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत जानकारी जो है फैला रही हैं। तो यहाँ पे शेयर होने से पहले ही फेसबुक जो है वार्निंग दे देता है अगर आप गलत जो है जानकारी COVID-19 को लेके फैलाते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा है जो है टेक अपडेट है, जो कि ऐसे जो अपडेट हैं आना चाहिए। वहीं दोस्तों, इसके बाद अगले टेक न्यूज़ की बात की जाए तो वो आ रही है iOS 13.6.1 को लेके। यहाँ पे ये रिलीज़ कर दिया गया है और इसी की मदद से जो ग्रीन टिंट वाला इशू हो रहा था उसको भी फिक्स कर दिया गया है। वहीं इसके साथ iPadOS 13.6.1 ने भी डेब्यू किया है, जो कि अच्छी बात है। वहीं दोस्तों, इसके बाद अगली टेक न्यूज की बात की जाए तो वो आ रही है मोटोरोला की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मोटो E7 जो है वो स्पॉट किया गया है ऑनलाइन रिटेलर पे, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। और इससे पता चलता है कि इसके अंदर, इस डिवाइस के अंदर 5000mAh की आपको बैटरी देखने को मिलेगी। वहीं ये सपोर्ट करेगा 10W की चार्जिंग को। और ये सब जो डिटेल्स हैं ये USFCC यानी कि सर्टिफिकेशन साइट से जो है रेंडर्ड सामने आए हैं और कुछ डिटेल्स जो हैं वो सामने निकल के आई हैं। वहीं दोस्तों, इसके बाद आज की अगली टेक न्यूज़ की बात की जाए तो वो थोड़ी सी कुछ लोगों के लिए डरावनी है और थोड़ी खतरे भरी भी, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टिकटॉक पेरेंट जो बाइडांस है वो ऐसा पता चला है कि उसने कुछ रिलायंस इंडस्ट्री के साथ जो है इन्वेस्ट किए हैं वीडियो ऐप को लेके। और ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि शायद आपको रिलायंस के साथ देखने को मिल जाए टिकटॉक आगे भविष्य में। खैर, ये तो भविष्य में है, पर मैं तो ये चाहूँगा कि ऐसी एप्लीकेशंस जो हैं जो देश के लिए खतरा बने, देश के मतलब कि सिक्योरिटी को लेके खतरा बने, वो किसी भी तरीके से आनी नहीं चाहिए। वहीं दोस्तों, इसके बाद आज की अगली टेक न्यूज़ की बात की जाए तो वो आ रही है विंडोज़ 10 को लेके। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे नया अपडेट जो रोल आउट हुआ है वो लेके आ रहा है विंडोज़ 10 X के इन्हेंस्ड कॉपी एंड पेस्ट फीचर को, ऐसी फिलहाल रिपोर्ट सामने आ रही हैं। और इसमें ये भी पता चल रहा है कि ये कॉपी कर पाएगा इसकी मदद से इमोजी, GIF और क्लिपबोर्ड कंटेंट को, साथ ही साथ
पेस्ट भी कर सकते हैं आप डॉक्यूमेंट्स और ईमेल्स को भी, जो कि अच्छी बात है। वहीं दोस्तों इसके बाद आज की अगली टेक न्यूज़ की बात की जाए तो वो आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस ड्यू की प्राइस जो है वो अनाउंस कर दी गई है और यहाँ पे ऐसा पता चल रहा है कि ये लॉन्च हो सकता है 10 सितंबर को। अब फिलहाल ऐसी जानकारी निकल के आ रही है कि ये जो है अभी जो है माइक्रोसॉफ्ट का महंगा डिवाइस है। हालांकि यहाँ पे इसमें आपको काफ़ी सारे फंक्शंस देखने को मिलते हैं, पर फिर भी इसकी जो रफली अगर इंडियन करेंसी में बात की जाए तो ये डिवाइस है 104,600 रुपये का, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी जो है अमाउंट है। वहीं दोस्तों इसके बाद अगले टेक न्यूज़ की बात की जाए तो वो भी आ रही है टिकटॉक की तरफ से। जैसे जैसे हाँ अभी उसके मतलब कि काले साए से दूर हो रहा है ना, तो उसने क्या क्या गड़बड़ घोटाले किए हैं वो टिकटॉक के निकल के सामने आ रहे हैं। यहाँ पे दूसरा जो इसका घोटाला है वो ये कि जो गूगल प्ले की जो पॉलिसी है, यहाँ पे वो पॉलिसी ये है कि आप किसी भी एंड्रॉयड यूज़र का जो है मैक एड्रेस जो है पता नहीं लगा सकते और ना ही उसको उपयोग में ले सकते हैं। पर यहाँ पे टिकटॉक ने जो है काम ऐसा किया था और पता लगाया था एंड्रॉयड यूज़र्स का मैक एड्रेस। यहाँ पे अभी फिलहाल ये जानकारी जो है सामने आ रही है, जिससे ये पता चला है कि उसके अंदर एक लूप होल था जो कि कलेक्ट करता था डिवाइस का, एंड्रॉयड डिवाइसेस का खास तौर से मैक एड्रेस। और ये फिलहाल 2019 में बंद कर दिया गया, पर फिर भी जो मैक एड्रेस है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स आपकी कैरी करता है और फिर अब आप समझ ही सकते हैं बाकी तो कैसा क्या है। वहीं दोस्तों इसके बाद आज के आखिरी टेक न्यूज़ की बात की जाए तो वो आ रही है ट्विटर की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ट्विटर ने रोल आउट कर दिया उसका लिमिटेड रिप्लाई वाला फीचर, जो कि एक अच्छा फीचर है। और यहाँ पे एक्चुअली में इसमें होगा ये कि अब जो है यूज़र डिसाइड कर सकता है कि कौन उसको जो है रिप्लाई करेगा और कौन नहीं करेगा। तो दोस्तों बस आज की टेक न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की टेक न्यूज़ में कुछ उपयोगी जानकारी पता चली होगी, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को जोरदार लाइक दे दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, और हाँ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।